आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं लेकर आई हूँ 4 ऐसे गारंटी टिप्स जिसको आप फॉलो करके मेन कैंपस में अपना सिलेक्शन गारंटीड करवा सकते हैं। आप सबका सपना होगा कि मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस मिल जाए, सबका सपना होगा ही, तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टिप्स की तरफ। टिप्स नंबर 1, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या है? बिलीफ सिस्टम यानी किसी चीज़ पे भरोसा रखना। जैसे हम लोगों को भरोसा है अपने पेरेंट्स पे, जैसे हमें भरोसा है अपने गॉड पे, वैसे ही हमें ख़ुद पे भरोसा करना आना चाहिए, हमें ख़ुद की कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा करना आना चाहिए। आपने बस जो कुछ भी पढ़ा है उस पर सच्चे दिल से भरोसा करना है और ये सोचना है कि मैंने बहुत मेहनत करके जो कुछ भी पढ़ा है वो मुझे अच्छे से याद है और याद रहेगा। ख़ुद को भरोसा दिलाना है कि यस, आई एम सेल्फ सफिशिएंट। बिलीफ सिस्टम को एक्टिव करने से आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ साथ आप खुश भी रहेंगे और ज़्यादा पढ़ाई कर सकेंगे। दोस्तों टिप्स नंबर 2 के तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को देखना। अब आपने पढ़ाई तो कर ली लेकिन सिलेबस ही नहीं देखा, और वो पढ़ लिया जो टॉपिक में है नहीं, और वो नहीं पढ़ा जो टॉपिक वो जो सिलेबस में है, जो टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है वो आपने पढ़ा ही नहीं। इस वक्त ड्यूरिंग प्रिपरेशन ज़रूरी है सिलेबस देखना, ताकि आप एप्रोप्रिएट पढ़ सके और सिर्फ उन टॉपिक पे फोकस कर सके जो आपके सिलेबस में है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ज़ाया ना हो और आप सारे सिलेबस को कवर अप कर सके और फिर रिवीजन कर सके। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जितना आप रिवीजन करिएगा उतना आपको याद रहेगा अच्छे से और लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहेगा। और आपको सारे सिलेबस को कवर अप पहले कर लेना है, ये नहीं कि एक दो टॉपिक स्किप कर दिया फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं कि नहीं ये वाला टॉपिक बहुत हार्ड है लेकिन नहीं आ रहा है। तो देखिए, मैं आपको एक और इसी में टिप्स बता रही हूँ कि आपको कैसे अपना हार्ड टॉपिक भी कवर आप कर सकते हैं। आप अपना हार्ड टॉपिक कैसे कवर कर सकते हैं कि आप पहले इजी टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। जब आप इजी टॉपिक को पढ़ना पहले स्टार्ट करेंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा पढ़ाई में, आपको अच्छी लगने लगेगी पढ़ाई, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप कैपेबल हो जाएंगे कि आप हार्ड टॉपिक को कवर कर सकें और फिर आप हार्ड टॉपिक को भी ईजिली कवर कर पाएंगे। तो ये वाली मेरी सलाह अच्छे से मानिएगा, सच में आप हार्ड टॉपिक भी अपनी अच्छे से कवर कर सकेंगे दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं टिप्स नंबर 3 की तरफ। बुक कौन सी फॉलो करनी है? हाँ, सबको तो ये सवाल रहेगा कि बुक कौन सी फॉलो करनी है। अरे भाई, बुक पता ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कोई गाइड फॉलो करने की तो ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कोई गाइड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके दोस्त बोले गाइड फॉलो करने के लिए, तो नहीं, आपको ख़ुद को फॉलो करना है, मतलब आपको सही चीज़ों को फॉलो करना है। और सही बुक क्या है? राइट बुक स्टैंडर्ड बुक है। आपको बस स्टैंडर्ड बुक पे ध्यान देना है, लाइक NCERT, लूसेंट या जो भी स्टैंडर्ड बुक है वो खुद आपको एनालाइज करना होगा। सिर्फ स्टैंडर्ड बुक ही आपको कंपटीशन निकालने में मदद कर सकता है। तो स्टैंडर्ड बुक क्या होता है? स्टैंडर्ड बुक दोस्तों सबसे इजी बुक होता है और ये मार्केट में अवेलेबल हो रहता है, कहीं भी अवेलेबल रहता है। आप कोई भी अपने एरिया में सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड बुक। अपने कोर्स के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपको मिल जाएगा, बस आपको बुक को एनालाइज करना है। और अगर आपको एनालाइज करने में बुक को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ मेरे पास कमेंट करिएगा, मैं आपको राइट बुक का सजेशन दे दूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं टिप्स नंबर 4 की तरफ। टिप्स नंबर 4 क्या कहता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, तो हमें क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। कब ध्यान देना है? 20 to 25 डेज बिफोर एग्ज़ाम आपको सिलेबस कवर अप कर लेना है। 20 to 25 डेज बिफोर एग्ज़ाम आपको सिलेबस कवर कर लेना है, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करने का टाइम मिल सके। ज़्यादा नहीं, बस 3-4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करना है और उस पर क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो कोशिश करिए एग्ज़ाम से 20-25 दिन पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें,
ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने का टाइम मिल जाए और उस पर क्वेश्चन लगाने का टाइम मिल जाए। और कोई भी दिक्कत आ रही हो, जैसी भी प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन करने में, कोई भी दिक्कत आ रही हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप यहाँ कमेंट कर दीजिए मेरे पास। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए।